रादौर से उस वक्त की बड़ी खबर, एटीएम मशीन से लाखों के कैश की चोरी को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी उस वक्त की, पीएनबी के एटीएम से 9 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गैस कटर की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीएनबी बैंक के बाहर लगी थी एटीएम की मशीन। पीएनबी बैंक और एटीएम में कोई भी गार्ड नहीं था। यह पुलिस की टीम भी इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो रादौर से बड़ी खबर इस वक्त की, एटीएम मशीन से लाखों के कैश की चोरी कर ली गई। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गैस कटर की मदद से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 9 लाख से ज्यादा की चोरी की गई है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पीएनबी बैंक और एटीएम में कोई भी गार्ड नहीं था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में भी जुट चुकी है। पीएनबी बैंक के बाहर ये एटीएम की मशीन लगी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, रादौर में एटीएम मशीन से लाखों का कैश चुरा लिया जाता है, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पीएनबी बैंक और एटीएम में कोई भी गार्ड ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं कि हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि कुछ वक्त पहले भी ये पीएनबी बैंक जो है जो बस स्टैंड के नजदीक था उसमें भी इस प्रकार की घटना हुई थी। वहां पर भी जो है लाखों रुपए का जो है जो लोड था एटीएम वो वहां से उखाड़ ले गए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो बैंक प्रबंधन ने कोई भी इसमें सुध नहीं ली और आज फिर जो है इस प्रकार की घटना जो है सामने आई है। जी कुलदीप, क्या बैंक में एटीएम के पास कोई सीसीटीवी कैमरा था? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन जो ये साथी चोर थे बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले इस पे जो है कोई इसको तोड़ डाला और इसके जो आसपास जो लाइटें लगी थी उनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पुलिस जो है अभी जो क्योंकि ये एक जेएमआईटी कॉलेज में स्थित था तो कॉलेज के भी सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं पुलिस द्वारा, और उसके जरिए जो है पुलिस जो ये साथी चोर है उन तक पहुंचने के लिए उनकी तलाश जो है जारी कर रही है। जी कुलदीप, पुलिस या बैंक प्रशासन की तरफ से अभी भी कुछ बयान सामने आया है? देखिए पुलिस से हमने अभी बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक पुलिस क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अभी तक जो है पुलिस पूर्णतः सीसीटीवी जितने भी हैं कॉलेज के उन सीसीटीवी फुटेज की जो है वो जांच कर रही है। जांच के बाद ही उनका कहना है कि डीएसपी से हमारी बात हुई थी, डीएसपी ने का साफ कहना था कि इस सीसीटीवी जांचने के बाद ही जो है हम प्रेस से बात कर पाएंगे। जी शुक्रिया कुलदीप सैनी आपका तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पीएनबी बैंक और एटीएम में कोई गार्ड ही नहीं था, बड़ी लापरवाही की गई और उसके बाद आपको बता दें कि एटीएम मशीन से लाखों के कैश की चोरी की